सबक शुरू करने से पहले आपसे चंद सवालात किए जाएंगे। चंद फलों के नाम बताइए। शाबाश, आम, अंगूर, जाम वगैरह। अरे बच्चों, आपको कौन कौन से फल पसंद है बताइए। अंजीर और अनन्नास। कौन से फल को फलों का राजा कहा जाता है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। गर्मी शुरू होने के साथ ही आम का मौसम शुरू हो जाता है, तो आज हम आम नज़्म पढ़ेंगे। मिलता है ये सस्ते दाम, कितना अच्छा फल है आम। गूदेदार, रसीला भी, खट्टा भी है, मीठा भी। कितना अच्छा फल है आम। चटनी, शरबत और अचार, इसका मुरब्बा जायकेदार। कितना अच्छा फल है आम। आम दशहरी है मशहूर, लंगड़ा भी है, रस से भरपूर। कितना अच्छा फल है आम। मिलता है ये सस्ते दाम, कितना अच्छा फल है आम। ये नज़्म को अब थोड़ा समझ लेते हैं। मिलता है ये सस्ते दाम, कितना अच्छा फल है आम, यानी आम सस्ता भी है और जायकेदार भी है। आम जायकेदार भी होता है और उससे कई सारी चीज़ें तैयार होती है, और वो सस्ता भी मिलता है, इसलिए उसे अच्छा फल कहा गया। गूदेदार, रसीला भी, खट्टा भी है, मीठा भी। इसमें कहा गया है कि आम गूदेदार और रसदार दोनों तरह का है, और इसे किसी भी तरह खा सकते हैं, चूस कर भी और काट कर भी। चटनी, शरबत और अचार, इसका मुरब्बा जायकेदार। शायर इस शेर में कह रहा है कि आम ऐसा फल है जिससे शरबत तैयार होता है, जो गर्मियों में बहुत ही कारामद होता है। इससे चटनियां तैयार होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की जायकेदार चटनियां लोग शौक से खाते हैं, और इसका जूस, शरबत बच्चे शौक से पीते हैं। अचार बनता है जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है। आम दशहरी है मशहूर, लंगड़ा भी है, रस से भरपूर। दशहरी और लंगड़ा ये आमों के नाम हैं। इसमें शायर कह रहा है कि लंगड़ा रस से भरपूर आम होता है और दशहरी मशहूर आम है। आम जितने खूबसूरत रंग बिरंगी देखने में होते हैं, उतने ही जायकेदार खाने में भी होते हैं। आम की बहुत सी किस्में हैं, जैसे चौसा, अल्फांसो, लंगड़ा, दशहरी। ये आम की किस्मों के नाम हैं। प्यारे बच्चों, आपको इसमें से कौन सा आम पसंद है। शायर का कहना है कि इतनी सारी चीज़ें इससे तैयार होती है, तो भी ये इतना सस्ता मिलता है कि इसे अमीर गरीब सब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए शायर ने इसे अच्छा फल कहा है। प्यारे बच्चों, मुनासिब लय और तरन्नुम के साथ इस नज़्म को याद करिए और अपने टीचर को रिकॉर्डिंग भेजिए। अल्लाह हाफिज़।